हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, जो कि है यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग। फर्स्ट यहाँ पर आपको कॉस्ट शीट बनाने को मिलेगी, कॉस्ट स्टेटमेंट और प्रोडक्शन अकाउंट। और ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम जो बात करेंगे वो सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग सिस्टम की बात करेंगे। यहाँ पर क्या होता है कि जो यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग, ये जो है मेथड, ये यूज़ किया जाता है उन इंडस्ट्रीज़ या फिर हम कह सकते हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जहाँ पर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं एक कॉमन पर्पस के लिए। और जितनी भी यूनिट्स प्रोड्यूस की जाती हैं वो मोर और लेस सिमिलर होती हैं एक दूसरे के, और इस मेथड को हम सिंगल आउट कॉस्टिंग मेथड बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस दे रखी हैं। यहाँ पर हम वॉल्टर डब्ल्यू बिग की डेफिनेशन देख लेते हैं। यूनिट कॉस्टिंग मेथड इज़ अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग अप्लाइड टू असर्टेन द कॉस्ट पर यूनिट। यहाँ पर आप कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकते हो, ठीक है, कॉस्टिंग मेथड के थ्रू। और प्रोडक्शन वेयर स्टैंडर्ड एंड आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर, और उनकी प्रोडक्शन निकाल सकते हो कि जो स्टैंडर्ड और आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स हैं मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं तो वो कितनी उनकी प्रोडक्शन है। ठीक है, इन डेफिनेशंस के वजह से कुछ एनालिसिस इन्होंने दे रखे हैं, कुछ करैक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं। पहला है कि प्रोडक्शन जो है हमेशा यूनिफॉर्म और होमोजीनियस होनी चाहिए और कंटिन्यूअस अफेयर की होनी चाहिए। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो आइडेंटिकल होना चाहिए, और जो कॉस्ट यूनिट है वो भी आपकी फिजिकल और नेचुरल होनी चाहिए। पर यूनिट कॉस्ट को आप डिटरमाइन कर सकते हैं लाइक पर टन, पर मीटर, पर केजी एक्सेट्रा। ये जो करेक्टरिस्टिक हैं ये फाउंड किए जाते हैं, यानी देखे जाते हैं कुछ इंडस्ट्रीज़ के अंदर, लाइक कोल माइन इंडस्ट्री है आपकी, शुगर मिल इंडस्ट्री है, क्लोथ मिल्स हैं, फ्लोर मिल्स हैं, सीमेंट फैक्ट्री है या ब्रिक किल्स हैं। ठीक है, इन इंडस्ट्री के अंदर ये वाला जो मेथड है वो ज़्यादातर देखा जाता है, और मेनली ये जो चार करेक्टरिस्टिक्स हैं इनको भी देखा जाता है। उसके बाद है इनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स। अब ऑब्जेक्टिव्स में क्या है, ऑब्जेक्टिव सबसे पहला क्या है कि जो भी प्रोडक्ट वो बना रहे हैं उसकी टोटल कॉस्ट निकालनी, और उनकी पर यूनिट कॉस्ट विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड, कि उस स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर उसकी कितनी टोटल कॉस्ट आई है और कितनी पर यूनिट कॉस्ट आई है। अब यहाँ पर जितने भी कॉस्ट हैं उनको क्लासीफाई करना कि कौन कौन सी कॉस्ट है। अब यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग में सबसे पहली कॉस्ट आती है आपकी प्राइम कॉस्ट, और प्राइम कॉस्ट के अंदर मैंने आपको कई बार बताया है कौन कौन से आइटम्स आते हैं, आपका डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन सबको ऐड करेंगे तो हमारी क्या निकल कर आ जाएगी, प्राइम कॉस्ट। ऐसे ही वर्क कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और उसके बाद आप जो एनालिसिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट भी यहाँ पर एनालाइज की जाती हैं, फिर उनकी पर यूनिट कॉस्ट को भी निकाला जाता है। ठीक है, टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, यहाँ पर जो है इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जितने भी एलिमेंट हैं कॉस्ट के, टोटल कॉस्ट के, उनको डिटरमाइन करना कि उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है टोटल कॉस्ट पर। ठीक है, और उनको कितने हद तक ये लोग कंट्रोल कर सकते हैं, यानी वो इंडस्ट्रीज़ इसको कितना ज़्यादा कंट्रोल कर सकती है। फिर दो या दो पीरियड के कॉस्ट को कंपेयर करना या और कंपेरेटिव एनालिसिस करना, दो या दो से ज़्यादा पीरियड्स की कॉस्ट को ये लोग क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि अगर हमें कंपेरेटिव एनालिसिस करना है तो वो भी यहाँ पर पॉसिबल हो पाता है। या तो हम पीरियड्स की कॉस्ट को कर सकते हैं, या फिर हम जो है पिछले साल की कॉस्ट के साथ भी कर सकते हैं, या कोई हमारी आइडेंटिकल फॉर्म्स है उसके साथ भी कर सकते हैं। उसके बाद है टू डिटरमाइन प्रपोज सेटिंग प्राइस टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट, ये एक प्रपोज सेटिंग प्राइस बताता है कि हम कौन सा प्राइस ऐसा सेट करें कि जिसकी वजह से आपका जो प्रॉफिट है वो डिज़ायर्ड हो, यानी जितना प्रॉफिट आपकी फर्म का होना चाहिए था उतना एटलीस्ट हो। टू डिटरमाइन, ये जो है टेंडर प्राइस भी बताता है, किस बेसिस पर, जो कॉस्ट डाटा है उसके बेसिस पर और जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं उसके बेसिस पर। दो बेसिस हैं, कॉस्ट डाटा और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, इन दोनों के बेसिस पर ये जो है हेल्प करता है टेंडर प्राइस को डिटरमाइन करने में। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट अंडर यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग। कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, मटीरियल, मटीरियल में कौन सा मटीरियल होता है आपका जो है डायरेक्ट मटीरियल, ठीक है। उसके बाद लेबर, लेबर में यहाँ पर लेबर की जो कॉस्ट है उसको आप किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, वेजेस एनालिसिस शीट की थ्रू, या जो आपके जॉब कार्ड्स होते हैं, ठीक है, उनको मेंटेन करते हो।
वेरियस डिपार्टमेंट के अलग अलग जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनका सारा का सारा एक कार्ड वगैरह पर लिखा जाता है और उन डिपार्टमेंट्स का अलग रजिस्टर बनाया जाता है। हमने पूरा लेबर का जब चैप्टर किया था उसमें हमने ये देखा था कि किस तरह से लेबर की कॉस्ट को हम एनालाइज़ करते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर लेबर की कॉस्ट को एनालाइज़ किया जाता है। हम इसको डायरेक्ट लेबर बोलेंगे और अब आगे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनके अलावा जो भी एक्सपेंस होते हैं जो कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हैं उनको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस का नाम देते हैं, और जो हमारी डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट मटेरियल है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ये सारे क्या हैं आपके, जब आप इन तीनों को जोड़ोगे तो इन तीनों को ऐड करने के बाद हमारी प्राइम कॉस्ट निकल कर आती है। फिर ओवरहेड्स, ओवरहेड्स भी जो हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। ओवरहेड्स में आपके इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आता है, ठीक है। जितने भी ये तीन नाम बोले थे डायरेक्ट वाले, इनके आगे इनडायरेक्ट लगा दोगे तो क्या आ जाएगा, ओवरहेड आ जाएगा। और इनको भी टाइम टू टाइम रिव्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इनको डिटरमाइन नहीं किया गया और ये ज़्यादा बढ़ते गए तो जो कंपनी है या जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन या अंडरटेकिंग्स हैं वो लॉस में चली जाएंगी। तो ये जो है इनको एस्टीमेट करते हैं और इनको जो है अपोर्शन करते हैं वेरियस बेसिस पर, और इनको जो है किसी भी एक डायरेक्टली यूनिट पर चार्ज नहीं किया जाता। जब भी हमने ओवरहेड का चैप्टर किया था तो उस टाइम पर हमने यही कहा था कि ओवरहेड को आप डायरेक्टली चार्ज नहीं करते, बल्कि क्या करते हो, उनका अपोर्शन करते हो और एब्जॉर्ब करते हैं डिफरेंट बेसिस पर। पहले तो अपोर्शन करेंगे डिफरेंट बेसिस पर, फिर ऑब्जॉर्ब किया जाएगा आपके कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट के द्वारा, ठीक है। अब आउटपुट कॉस्टिंग के अंदर इसकी डीप एनालिसिस है। इनको क्लासिफाई किया गया है ओवरहेड्स को फैक्ट्री ओवरहेड के बीच में, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स के बीच में, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है, इन तीन ओवरहेड के बीच में इसको क्लासिफाई किया गया है। और इनका जो नेचर होता है इनको नेचर के बेस पर भी क्लासिफाई किया गया है, फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड और सेमी वेरिएबल ओवरहेड, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग यूनिट कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे पास, जो है मेनली थ्री मेथड्स हैं। पहला है कॉस्ट शीट, दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, तीसरा है प्रोडक्शन कॉस्ट। मीनिंग क्या है कॉस्ट शीट का? कॉस्ट शीट जो है एक स्टेटमेंट होती है जो कि यूज़ की जाती है कि आप जितने भी प्रोडक्शन कर रहे हैं उस प्रोडक्शन का कितना टोटल कॉस्ट आ रहा है और पर यूनिट कॉस्ट कितना आ रहा है, वो सारा का सारा कहाँ पर शो होता है, आपकी कॉस्ट शीट के अंदर। और ये जो है ये स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है एज़ पर द कन्वीनियंस, कन्वीनियंस के चलते, यानी इसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं वीकली भी, मंथली भी और क्वार्टरली इंटरवल्स में भी, ठीक है। डेफिनेशन जो है कॉस्ट की हम करेंगे ICMA लंदन वाली। जो कॉस्ट शीट है वो एक डॉक्यूमेंट है जो कि आपको ये बताती है, एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देती है कि कितना जो है कॉस्ट लगा है उस कॉस्ट सेंटर या फिर उस कॉस्ट यूनिट पर। अब कॉस्ट शीट में क्या क्या प्रेजेंट किया जाता है? टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस की, पहले तो आप बताएंगे कि आपने कितनी टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस की है, उसके बाद आप लोग क्या बताएंगे कि कितनी टोटल कॉस्ट आई है उस क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, कितना पर यूनिट कॉस्ट है उस टोटल क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, और कुछ कंपोनेंट्स हैं कॉस्ट के एट वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं, प्राइम कॉस्ट है, फैक्ट्री कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी ये कुछ कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले आपका निकल कर आता है प्राइम कॉस्ट, उसके बाद आपका वर्क कॉस्ट, उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में भी हम क्या करते हैं, जो आपका वो होता है प्रॉफिट होता है उसको ऐड करते हैं, फिर सेलिंग प्राइस निकल कर आता है। यानी ये एक वेरियस कंपोनेंट्स हैं या स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन है जो कि आपकी कॉस्ट शीट प्रेजेंट करती है, ठीक है। फिर है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद प्रोपोर्शन ऑफ ईच इंडिविजुअल कॉस्ट टू टोटल कॉस्ट एक्सप्रेस इन परसेंटेज। हर एक वैल्यू पर या हर एक स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पर जो भी इंडिविजुअल कॉस्ट निकल कर आएगी हम इसको परसेंटेज में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। कंपैरेटिव कॉस्ट, अब यहाँ पर जो है ये कॉस्ट शीट आपको कंपैरिजन भी देती है, क्योंकि कॉस्ट शीट के भी जो टाइप्स हैं उसमें ये देखेंगे कि ये एक कंपैरेटिव कॉस्ट शीट भी एक टाइप होता है, ठीक है। तो वो कंपैरिजन भी बताती है बिटवीन टू पीरियड्स। फिर है करेक्टरिस्टिक्स और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं कॉस्ट शीट के। कॉस्ट शीट का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि ये जो है प्रिपेयर की जाती है यूनिट कॉस्टिंग मेथड्स के थ्रू, बिकॉज इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है पर यूनिट कॉस्ट को निकालना होता है। और ये एक पीरियडिक डॉक्यूमेंट होता है जो कि वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली और क्वार्टरली प्रिपेयर किया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट शीट का कि टोटल कॉस्ट और जो बर्डन होता है इंडिविजुअल कॉस्ट पर, यानी जो कॉस्ट पर यूनिट है उसको निकालना, यानी टोटल कॉस्ट को निकालना और टोटल पर यूनिट कॉस्ट पर भी निकालना।
उसके बाद इसके एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहला एडवांटेजेस है डिटरमिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। ये जो है कॉस्ट शीट हेल्प करती है कि आप कितना सेलिंग प्राइस रख सकते हैं, यानी डिजायर्ड प्राइस, या जिसकी वजह से आपको एक डिजायर्ड प्रॉफिट मिल सके। कंट्रोल ऑन एक्सपेंसेस, ये जो है हेल्प करता है कॉस्ट शीट कि आप अपने एक्सपेंसेस पर कंट्रोल कर सके, क्योंकि यहाँ पर आप अपने ओवरहेड्स को भी देखते हैं, फिर ओवरहेड्स जो निकल कर आते हैं फिर आप उसका क्या करते हैं, अपोर्शन करते हैं और अब्जॉर्ब करते हैं, तो इसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं आपके एक्सपेंसेस पर भी कंट्रोल रहता है। हेल्प इन मिनिमाइजिंग द एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस हैं उनको कम करने में भी हेल्प करता है। जब अगर आपका कोई ट्रेड डिप्रेशन का पीरियड चल रहा है तो आपके एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि डिप्रेशन है तो आपके एक्सपेंसेस उस टाइम पर कम ही होने चाहिए, ज़्यादा नहीं होने चाहिए। सो उसको भी मिनिमाइज़ करने में हेल्प करता है। अगर कॉम्पिटिशन है तो वहाँ पर भी हेल्प करता है आपके एक्सपेंसेस को मिनिमाइज़ करने में। उसके बाद कंपेरेटिव स्टडी हो सकती है। मैंने भी बताया कि कॉस्ट शीट का टाइप्स में आता है कंपेरेटिव कॉस्ट शीट, तो उस कॉस्ट शीट को प्रिपेयर करके आप कंपेरेटिव स्टडी कर सकते हैं बिटवीन टू और मोर पीरियड्स। फिर है बेनिफिट्स टू कॉमन मैन। इससे जो है कॉमन मैन को बेनिफिट मिलता है, कॉस्ट कंट्रोल का बेनिफिट मिल जाता है, कॉस्ट रिडक्शन का, बेटर मैनेजमेंट का, ये सारा का सारा बेनिफिट मिल जाता है, और साथ ही साथ उनको एक अच्छा प्रोडक्ट भी मिल जाता है और रीजनेबल प्राइसेस पर भी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट यूनिट एंड कॉस्ट शीट। कॉस्ट अकाउंट और कॉस्ट शीट के अंदर क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहला है डबल एंट्री सिस्टम। कॉस्ट अकाउंट के अंदर तो आपका डबल एंट्री सिस्टम का प्रिंसिपल इंक्लूड होता है, उस पर बेस्ड होती है कॉस्ट अकाउंट। उनके दोनों साइड होते हैं, डेबिट और क्रेडिट साइड। लेकिन कॉस्ट शीट के अंदर ना ही आपका कोई डेबिट साइड आता है और ना ही आपका कोई क्रेडिट साइड आता है। ये जो है आपकी इंक्लूड नहीं होती हैं कॉस्ट शीट की, सॉरी कॉस्ट अकाउंट की तरह। ये डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड नहीं होती कॉस्ट शीट। ठीक है, यूज़ कॉस्ट अकाउंट का जो है यूज़ किया जाता है कि आप प्रोडक्शन अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रोसेस अकाउंट और कॉन्ट्रैक्ट और जॉब अकाउंट्स, लेजर अकाउंट्स, इन सबको प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन कॉस्ट शीट के अंदर आप इन सबको प्रिपेयर नहीं कर सकते। कंपैरेटिव स्टडी, कॉस्ट शीट जो है हेल्प करता है कंपैरेटिव स्टडी करने में, बट कहीं ना कहीं ये जो है आपको साथ के साथ कॉस्ट को कंट्रोल करने में, कॉस्ट को रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है, लेकिन कॉस्ट अकाउंट ऐसा नहीं करता, वह इस तरह से कोई भी गाइडेंस प्रोवाइड नहीं करता। फिर है पर यूनिट कॉस्ट। कॉस्ट शीट से आप पर यूनिट कॉस्ट ले सकते हैं, लेकिन कॉस्ट अकाउंट जो है पर यूनिट कॉस्ट को नहीं बताता। ठीक है, जिस तरह से कॉस्ट शीट जो है डिटेल्ड और एनालिटिकल वे में बताती है। फिर उसके बाद है रिकन्सिलेशन। कॉस्ट शीट के अंदर जाके कॉस्ट अकाउंट्स होते हैं उसके अंदर आप रिकन्सिलेशन करते हैं वेल द कॉस्ट शीट्स आर नॉट। ठीक है, उसके बाद है बेसिस। कॉस्ट शीट जो है आपकी, कॉस्ट अकाउंट जो है प्रिपेयर किया जाता है कॉस्ट शीट के बेसिस पर, लेकिन कॉस्ट शीट जो है प्रिपेयर की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट अकाउंट, नहीं की जाती। ठीक है, कॉस्ट अकाउंट तो आपका कॉस्ट शीट के बेसिस पर प्रिपेयर किया जाएगा, लेकिन कॉस्ट शीट आपकी जो है वो कॉस्ट अकाउंट के बेसिस पर प्रिपेयर नहीं की जाती। ठीक है, फिर है गाइडेंस टू मैनेजर्स। ये जो है आपकी कॉस्ट शीट, ये एक तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड करती है मैनेजर को कि वो कंट्रोल रख सकते हैं और जो है ऑर्गेनाइजेशंस में नई नई पॉलिसीज़ को मेंटेन कर सके। ठीक है, बट कॉस्ट अकाउंट जो है इस तरह से मैनेजर्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होते। फिर यहाँ पे आपको गिवन है टाइप्स ऑफ कॉस्ट शीट। टाइप्स क्या है कॉस्ट शीट के? एक सिंपल कॉस्ट शीट होती है, एक कॉस्ट शीट होती है आपके प्रॉफिट के साथ, और एक कॉस्ट शीट होती है विद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, और एक होती है कंपैरेटिव कॉस्ट शीट। मैंने बताया था कि टाइप होता है कॉस्ट शीट का, जिसकी वजह से आप दो पीरियड्स के बीच में एनालाइज कर सकते हो। उसके बाद है सबसे पहले सिंपल कॉस्ट शीट। यहाँ पर जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, देखो जो हमारा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उसको निकाला तो प्राइम कॉस्ट आया। प्राइम कॉस्ट के बाद आपने वर्क ओवरहेड और फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करा तो आपका वर्क कॉस्ट निकल कर आया। ठीक है, यहाँ पर आपको टोटल कॉस्ट भी पता चल जाती है, पर यूनिट कॉस्ट भी पता चल जाती है, लेकिन इस शीट के अंदर आपका प्रॉफिट शो नहीं होता, ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसके बाद आपने ऑफिस ओवरहेड निकाले, यहाँ पर लिख दिए तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है इसका काम, टोटल कॉस्ट पर ही। यहाँ पर आपको प्रॉफिट की कोई जगह नहीं मिलती सिंपल कॉस्ट शीट के अंदर। कॉस्ट शीट विद प्रॉफिट के अंदर आपका प्रॉफिट का भी मार्जिन दिखाया जाता है। अब हमारी जो कॉस्ट शीट है वो है कॉस्ट शीट विद प्रॉफिट, प्रॉफिट के साथ। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने ये निकालना है, डायरेक्ट मटेरियल निकालते हैं। अब डायरेक्ट मटेरियल निकालने के लिए आपने क्या करना है, जितना भी ओपनिंग स्टॉक होगा डायरेक्ट रॉ मटेरियल का वो लिखोगे, जितनी भी परचेजेस हुई हैं ड्यूरिंग द ईयर वो लिखोगे, ऐड करोगे इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस जो भी आपके एक्सपेंसेस हुए हैं, लाइक कैरेज, फ्रेट, फैक्ट्री, कस्टम ड्यूटी। यहाँ पर जो है आपका कैरेज इनवॉल्व आता है। ठीक है,
उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट रॉ मटेरियल, डिफेक्टिव मटेरियल रिटर्न हुआ है तो वो भी लेस करना है, क्लोजिंग स्टॉक लेस करना है, रेजिड्यू कुछ बच गया आपके प्रोडक्ट में से वो भी लेस करना है, तो आपकी क्या निकल कर आ जाएगी, वो कॉस्ट जो कि डायरेक्ट मटेरियल आपने कितना कंज्यूम किया, ठीक है, यानी डायरेक्ट मटेरियल निकल कर आ गया। अगर कई बार क्वेश्चन में नहीं गिवन होता डायरेक्ट मटेरियल कितना कंज्यूम किया गया है तो आपने इस तरह से निकालना होगा। उसके बाद डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट निकल कर आया, यहाँ पर टोटल कॉस्ट है और पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए जितनी भी टोटल क्वांटिटी होंगी उससे डिवाइड कर दोगे तो जो कॉस्ट है वो पर यूनिट आ जाएगी। उसके बाद है फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड में आपके फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, ये हमने पहले ओवरहेड वाले चैप्टर में भी किया है, आपका फ्यूल, पावर, कोयल, लाइट एंड वाटर, फैक्ट्री इंश्योरेंस, रेंट ऑफ फैक्ट्री, ये जितने भी होते हैं ये सारे किससे रिलेटेड होते हैं, आपके फैक्ट्री से रिलेटेड। उसके बाद आपने ओपनिंग स्टॉक जो आपका वर्क इन प्रोग्रेस का है उसको ऐड करना होता है, लेस करना होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, एडिशनल जो ओवरबर्डन आता है रेक्टिफिकेशन पर वो ऐड करोगे और माइनस करोगे सेल ऑफ स्कार्प और डिफेक्टिव, जो भी डिफेक्टिव गुड्स निकल कर आ गए हैं अगर आपने उनका सेल कर दिया तो वो चीज़ें लेस कर दोगे, तो आपकी क्या निकल कर आ जाएगी, फैक्ट्री और वर्क कॉस्ट। अगर आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो फैक्ट्री से रिलेटेड हैं तो वो फैक्ट्री ओवरहेड में चले जाएंगे, और अगर आपके एक्सपेंसेस वर्क कॉस्ट से रिलेटेड हैं यानी वर्क ओवरहेड से रिलेटेड हैं तो वो वर्क कॉस्ट के अंदर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, अब ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें आपके लीगल एक्सपेंसेस, ऑफिस सैलरीज, ऑफिस लाइटनिंग, आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, फीस ऑफ डायरेक्टर्स, ये सब सारे के सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे जो कि आपके ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, फैक्ट्री से रिलेटेड वालों के अंदर, फैक्ट्री और वर्क कॉस्ट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर ऑफिस से रिलेटेड अगर कोई है तो उनको हम ऑफिस कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें आपने ऐड करना है फिनिश्ड गुड्स और फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग स्टॉक ऐड करना है और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल कर आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल कर आएगा तो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन जो है उससे डिवाइड करोगे तो पर यूनिट कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में एडवर्टाइजमेंट, डिस्काउंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, और उसके बाद आपका सेल्स एंड कमीशन, डीप एंड डिलीवरी बैंस वगैरह, ये सब कुछ निकल कर आ जाएगा या आपको क्वेश्चन में गिवन होगा तो वहाँ से आपको लिखना है, और कॉस्ट ऑफ सेल निकल कर आ जाएगी, उसको डिवाइड करना है क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, जो भी टोटल क्वांटिटी होगी प्रोडक्शन की, फिर आपका टोटल पर यूनिट कॉस्ट निकल कर आ जाएगा, प्रॉफिट निकाल लोगे, प्रॉफिट का मार्जिन ऐड कर दोगे तो सेलिंग प्राइस निकल कर आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसा कॉस्ट शीट है जिसके अंदर प्रॉफिट ऐड है, सिंपल कॉस्ट शीट के अंदर प्रॉफिट ऐड नहीं था, इन दोनों के बीच में यही डिफरेंस है। अब आपका कॉस्ट शीट विद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, अब इसमें क्या है, ये जो मेथड होता है ये बहुत ज़्यादा आपका प्रॉपर है, रिलायबल है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शो किया जाता है अलग से कि कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया है, उसके बाद इसका जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट है वो अलग शो किया जाता है, यानी आपका प्रॉफिट का अलग हो गया, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अलग हो गया, ठीक है। अब टोटल वही आपको कैसे निकालना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका रॉ मटेरियल वगैरह सेम टू सेम वैसे ही चलना है जैसे हम कॉस्ट शीट विद प्रॉफिट के अंदर चले थे, बस आपने ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर आकर रुक जाना है। उसके बाद जितने सेलिंग एक्सपेंसेस वगैरह होंगे वो हम अलग शो करेंगे और उसके अंदर प्रॉफिट का मार्जिन ऐड करेंगे। इसमें आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में अलग से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स निकाल दिए, लग दिए, उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा, उस पर प्रॉफिट का मार्जिन ऐड करोगे और सेलिंग प्राइस निकल कर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कंपैरेटिव कॉस्ट शीट, अब कंपैरेटिव कॉस्ट शीट जो है दो पर्पस से बनाई जाती है, पहला तो ये कि आप कंपैरिजन कर सको दो पीरियड्स के अंदर, ठीक है, और कंपैरेटिव कॉस्ट शीट के अंदर जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो रिलेवेंट होते हैं, और दूसरा ये होता है कि अगर कोई मैन्युफैक्चर जो है सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो उन दो मैन्युफैक्चरर्स के बीच में भी यहाँ पर क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है। अब कंपैरेटिव कॉस्ट शीट में कैसे बताया जाएगा, यहाँ पर आपका पीरियड प्रोडक्ट, पीरियड प्रोडक्ट, ठीक है, टोटल कॉस्ट, कॉस्ट पर केजी, टोटल कॉस्ट, कॉस्ट पर केजी, इस तरह से लिखना है। यहाँ पे प्रीवियस ईयर का आएगा, यहाँ पे करंट ईयर का आएगा। रॉ मटेरियल सारा का सारा वही स्टेप चलेगा, बस थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर अलग है, तो आपने मेन सबसे पहले क्या याद कर लेना है, जो आपकी कॉस्ट शीट विद प्रॉफिट है उसको याद कर लो, बाकी सब कुछ सेम है, बस थोड़ा थोड़ा ये चेंज है कि कहीं पर आपका स्टेटमेंट बन रहा है, कहीं पर आपका कॉस्ट प्रोडक्शन पर ही आकर रुक रहा है और कहीं पर आपका कंपैरेटिव हो रहा है,
ठीक है, मेन ये वाली एक बार आपने जो है याद कर लेनी है ये फॉर्मेट, और ये फॉर्मेट आगे हर किसी में अप्लाई हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। अब स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में आपका क्या होता है कि आपको जो है टोटल कॉस्ट तो पता चल जाती है, लेकिन पर यूनिट कॉस्ट यहाँ पर पता नहीं लग पाती, ठीक है। सब कुछ सेम वाइज चलता है, जैसे हमने कॉस्ट शीट विथ प्रॉफिट किया है ना, सेम वैसे ही चलेगा। बस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका टोटल कॉस्ट लिखा हुआ है और कॉस्ट पर यूनिट लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आप सिर्फ कॉस्ट लिखना, यानी ये जो आइटम्स आप यहाँ पर दिखा रहे हो वो आइटम्स आपने यहाँ दिखाने हैं, और यहाँ पर जो कॉस्ट पर यूनिट है इसका टोटल कॉस्ट कर दोगे, ठीक है। बट यहाँ पर कॉस्ट पर यूनिट नहीं शो होगा, ध्यान रखना है जब हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट बनाएंगे, ठीक है। सारी आइटम्स वही हैं, वही फॉर्मेट इसमें बना देना। उसके बाद है कि क्या क्या डिफरेंस है कॉस्ट शीट और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के अंदर। कॉस्ट शीट में जो है पर यूनिट कॉस्ट दिखाई जाती है, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में पर यूनिट कॉस्ट नहीं दिखाई जाती। कॉस्ट शीट जो है जब प्रिपेयर की जाती है ओनली व्हेन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, जब आपका क्वांटिटी ऑफ आउटपुट जो है क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर आपका आउटपुट नहीं गिवन, क्वांटिटी नहीं गिवन, तो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि आपने स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट उस टाइम पर प्रिपेयर करनी है, ठीक है। कॉस्ट शीट ज़्यादा यूजफुल होती है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट से रिलेटेड, क्यों? क्योंकि इसमें कंपैरिजन कर सकते हो आप, लेकिन कॉस्ट शीट के अंदर कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। फिर यहाँ पर जो जो आइटम सभी हमने पढ़ी, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, आपका ऑफिस ओवरहेड, और आपका जो हमने फैक्ट्री ओवरहेड के बाद ऑफिस हो गया, उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये सारे के सारे जो हमने ओवरहेड्स वगैरह पढ़े हैं उनकी कॉस्ट पढ़ी हैं, उन कॉस्ट की यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि किस कॉस्ट के अंदर क्या आता है। प्राइम कॉस्ट जो है मेन एलिमेंट होती है कॉस्ट ऑफ किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट का, और इसको हम डायरेक्ट कॉस्ट, फर्स्ट कॉस्ट और फ्लैट कॉस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अब प्राइम कॉस्ट के अंदर मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, एक तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड होते हैं। डायरेक्ट मटेरियल निकालने का पूरा प्रोसेस अभी हमने कॉस्ट शीट के अंदर किया था विद स्टेटमेंट विद प्रॉफिट वाली के अंदर, वही रहेगा। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस कैरिज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग ऑफ रॉ मटेरियल, और कुछ अदर एक्सपेंसेस भी जो थे वो माइनस किए थे, जो आपके कुछ डिफेक्टेड हैं वो भी माइनस किए थे, ठीक है। फिर आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाता है, लेकिन यहाँ पर टिपिकल से दे रखी है कि बहुत सारी एक्ट्री ड्यूटी डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये सारे के सारे दे रखे हैं, जैसे कि आपके कॉस्ट शीट विद प्रॉफिट के अंदर दे रखे थे। तो वही फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए आपने डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम निकाल कर यहाँ पर दिखा देना है, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम मेनली क्या होता है कि अगर आप किसी भी एक मेजर पार्ट जो आपका प्रोडक्शन का है उसके अंदर जब आप उस प्रोडक्ट को किसी फिनिश गुड के अंदर, यानी उस रॉ मटेरियल को किसी फिनिश गुड के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आप जितना रॉ मटेरियल ले रहे हो उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट है डायरेक्ट वेजेस और लेबर। डायरेक्ट वेजेस वो हैं कि आपकी जो वेजेस वर्कर्स को पे की जा रही हैं, जो कि डायरेक्टली जुड़े हुए हैं उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, तो उनको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट लेबर। और डायरेक्ट लेबर की यहाँ पर डायरेक्ट वेजेस जो है वहाँ पर आपकी प्राइम कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होगी, और इन डायरेक्ट लेबर और वेजेस को हम किस किस नाम से जानते हैं, प्रोडक्टिव वेजेस, फैक्ट्री वेजेस और प्रोसेस एंड जनरल वेजेस, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस को चार्जेबल एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट एक्सपेंसेस और प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस के नाम से भी जानते हैं, और ये जो एक्सपेंसेस हैं डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं उस पर्टिकुलर जॉब या उस पर्टिकुलर प्रोसेस से, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट जो है उसमें आपके कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, आपका प्राइम कॉस्ट और आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स। और फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर कौन कौन से ओवरहेड्स आते हैं, आपका फैक्ट्री रेंट, रेट, टैक्स, हॉलेज, लूज टूल्स और स्पेयर्स, ठीक है। और उसके बाद है आपका रेमुनरेशन ऑफ टेक्निकल डायरेक्टर, डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस, फैक्ट्री मैनेजर, वेजेस एंड सैलरी, फैक्ट्री लाइट, फ्यूल, ठीक है, पावर, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस आपके फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर आते हैं, और इनको हम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी बोलते हैं, क्लियर है। फैक्ट्री कॉस्ट कब निकल कर आती है, जब आपकी प्राइम कॉस्ट के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ दो तो आपका फैक्ट्री कॉस्ट या फिर हम कह सकते हैं वर्क कॉस्ट निकल कर आती है। अब इसके फैक्ट्री ओवरहेड्स के बहुत सारे दे रखे हैं, आपने थोड़े से नाम याद कर लेना, 10 के आसपास नाम याद कर लेना। उसके बाद है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। ऑफिस रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट होंगी जो कि अदर देन फैक्ट्री कॉस्ट होंगी उनको हम यहाँ पर दिखाते हैं,
ठीक है। इसके अंदर क्या क्या शामिल होगा, प्राइम कॉस्ट शामिल होगी, फैक्ट्री ओवरहेड शामिल होगा और आपका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग ओवरहेड शामिल होगा। सो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के अंदर कौन कौन से आइटम्स आते हैं, ऑफिस बिल्डिंग का रेंट रेट और टैक्स और ऑफिस डेप्रिसिएशन, डायरेक्टर्स फीस, ऑडिट फीस, बैंक चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस, आपके पोस्टेज चार्जेस, ये सारे आते हैं। ठीक है, इनमें से भी कोई आपको जो भी सुटेबल लगे, 7 से 8 या 10 जो भी पॉइंट्स आपको सही लगते हैं वो याद कर लेना। उसके बाद है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के अंदर जितने भी आपके सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस होते हैं वो आते हैं आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर ऐड होते हैं। यानी इसके अंदर आपके कौन कौन से एक्सपेंसेस आ जाएंगे, आपका प्राइम कॉस्ट प्लस आपका फैक्ट्री ओवरहेड प्लस आपका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और उसके बाद आपके जो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं उनका ओवरहेड। ठीक है, उनका अब जो आपका फैक्ट्री ओवरहेड है उस फैक्ट्री ओवरहेड को छोड़कर आपने क्या लिखना है यहाँ पे, आपका फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क कॉस्ट या फिर वर्क कॉस्ट या फिर ऑफिस कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के अंदर बहुत सारे आइटम्स दे रखे हैं। अब इनके आइटम्स कौन कौन से हो सकते हैं, एक्सपेंसेस ऑफ सेल्स ऑफिस, सैलरी कमीशन जो भी अलाउ की गई हैं सेल्स मैनेजर को, आपके एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, आपके बैड डेब्ट्स हो गए, आपका थ्रेट और लॉस हो गया और वारंटी क्लेम्स हैं। ठीक है, आफ्टर सेल्स सर्विसेज जो आप दे रहे हैं, सेल्स इंसेंटिव्स हैं, पेटी कैशेस हैं, एक्सपेंसेस हैं आपके, मार्केट रिसर्च के एक्सपेंसेस हैं, स्टेशनरी के एक्सपेंसेस हैं, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस कहाँ पर आ जाएंगे आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। फिर यहाँ पर आपको कुछ जो है इंपॉर्टेंट टर्म्स दे रखे हैं लाइक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक, उसमें माइनस करेंगे क्लोजिंग और फिनिश गुड्स, तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल कर आ जाता है। ठीक है, अब ऐसे ही कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या करेंगे आपका, अगर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऐड कर दोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर तो कॉस्ट ऑफ सेल निकल कर आ जाएगा। अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर प्रॉफिट जितना भी होगा वो ऐड करोगे, ठीक है, ऑन गुड्स सोल्ड, तो आपकी सेल्स निकल कर आ जाएंगी। और सेल्स में यहाँ पर अगर आपको नेट प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट ऑन गुड्स सोल्ड, जो भी प्रॉफिट हुआ है गुड्स सोल्ड पर माइनस कर दोगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, तो नेट प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यूएशन करना, मेनली जो वर्क इन प्रोग्रेस होती है वो इनकम्प्लीट पार्ट होती है जॉब ऑफ वर्क का, ठीक है, विच इज स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर, जो कि अभी मैन्युफैक्चर के प्रोसेस में चल रही हैं, अभी एक्चुअल में मैन्युफैक्चर नहीं हुई हैं। ठीक है, तो ये तो है कि इसको वैसे तो ज़्यादा ही होता है कि इंक्लूड नहीं करते, जब फिनिश गुड बनकर आता है तो फिनिश गुड के प्रोडक्शन के अंदर ही इसकी जो वैल्यू होती है वो ऐड हो जाती है, बट यहाँ पर फैक्ट्री कॉस्ट के बाद जब हम फैक्ट्री ओवरहेड करते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट निकाल लेते हैं, उसके बाद इसका जो ओपनिंग स्टॉक होता है उसको हम ऐड कर देते हैं और जो माइनस करते हैं उसका क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस का। ठीक है, उसके बाद है आपका कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बाय परसेंटेज ऑफ कॉस्ट। परसेंटेज ऑफ कॉस्ट के अगेंस्ट किस तरह से आपका प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर दो बातें ध्यान में रखनी है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कॉस्ट पर गिवन है तो टोटल कॉस्ट में आप रेट ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड कर दोगे 100 से, लेकिन अगर सेलिंग प्राइस पर परसेंटेज गिवन है तो टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल में मल्टीप्लाई करोगे रेट ऑफ प्रॉफिट और उस रेट ऑफ प्रॉफिट को माइनस भी करोगे 100 में से। ठीक है, तो ये दो मेन मेथड हैं जिससे आपका कैलकुलेशन होता है प्रॉफिट ऑफ प्रॉफिट जो है बाय परसेंटेज ऑन कॉस्ट। अब यहाँ पर कुछ आइटम्स हैं जो कि कॉस्ट अकाउंट में इंक्लूड नहीं होती हैं, तो वो कौन कौन सी, एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल और लेबर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स, इंटरेस्ट पेड ऑन कैपिटल और लोन, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, फिर है कैपिटल गेन और लॉसेस, ट्रांसफर टू रिजर्व्स, डिस्काउंट, शेयर ट्रांसफर फी, कैश डिस्काउंट, प्रॉफिट और लॉस ऑन वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, प्रॉफिट और लॉस ऑन फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, ये आइटम्स हैं जो कि आपकी इंक्लूड नहीं होती हैं कॉस्ट अकाउंट में। अब अपॉर्चमेंट ऑफ ओवरहेड्स, हमने जब ओवरहेड का चैप्टर किया था तो वेरियस टाइप्स ऑफ अपॉर्चमेंट होते हैं, ठीक है, जिसके वजह से हमारा जो है डील होता है कि किस तरह से ओवरहेड को अपॉर्शन किया जाता है। अब ये जो अपॉर्शन की बात है, अब इसमें जो है, अब चैप्टर जो मैं आपको कराऊंगी ओवरहेड का, उसमें पता चलेगा मेन कि किस तरह से बेसिस पर अपॉर्शन किया जाता है। लेकिन आपने दो चार बातें यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि ओवरहेड हमेशा अपॉर्शन या अब्जॉर्ब होते हैं, कभी भी डायरेक्टली चार्ज नहीं होते। अगर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं है तो जो फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं उनको हम जो है अपोर्शन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स के बीच में, एंड सेलिंग और जो आपका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है, देखो जो आपका फैक्ट्री ओवरहेड है उसको तो हम वेजेस के बेसिस पर क्या कर देंगे, अपोर्शन कर देंगे, और जो ऑफिस और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है उसको अपोर्शन किया जाता है फैक्ट्री कॉस्ट के बेसिस पर। ये दो बातें ध्यान में रखनी है। ठीक है,
और बाकी बेसिस के ऊपर किया जाता है। अगर बेसिस ढंग से डिफाइन नहीं है तो ये केस यूज़ किया जाएगा। क्लियर है? अब हमारा लास्ट टॉपिक है प्रोडक्शन अकाउंट। प्रोडक्शन अकाउंट जो है एक तरीके से यहाँ पर आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बोल सकते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर फॉर्म होता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का, ये जो है प्रिपेयर किया जाता है जैसे फाइनेंशियल अकाउंट के साथ साथ। और इसका जो टाइम होता है कि ये प्रिपेयर किस तरह से किया जाता है, मंथली प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो है प्रेजेंट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ अकाउंट बेस्ड ऑन डबल एंट्री प्रिंसिपल। ये जो है डबल एंट्री प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। इसका ऑब्जेक्ट होता है कि कॉस्ट प्रोडक्शन निकालना अलॉन्ग विद द कॉस्ट पर यूनिट, वो भी डिटेल्ड और एनालिटिकल वे के अंदर, ठीक है। प्रोडक्शन कॉस्ट जो प्रोडक्शन अकाउंट है उसको हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बोलते हैं। और ये जो है यूज़ किया जाता है, यानी वहाँ वहाँ कहाँ कहाँ बनाया जाता है, ये प्रोड्यूसिंग ब्रिक्स को प्रोड्यूस करने के लिए, कोल एंड कोक को प्रोड्यूस करने के लिए, और आपका पिग आयरन, यार्न एंड क्लोथ, ठीक है। अब इसका फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट क्या है प्रोडक्शन अकाउंट का, आपका पर्टिकुलर अमाउंट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्राइम कॉस्ट, बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो आंसर निकल कर आएगा वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है। अब यहाँ पर आपने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन तक कर लेना है। अब यहाँ पर जो आंसर आएगा, इस जो ये वाला आंसर होगा, इसमें से इसका पूरा का पूरा जो टोटल है वो माइनस करोगे तो ये वाला निकल कर आएगा। यानी जो आपका टोटल कॉस्ट है उसमें से अगर आप जो ये टोटल कॉस्ट निकल कर आई, मान लो ये निकल कर आई है 10,000 की, ठीक है, ये 10,000 की निकल कर आई है, तो इसका मतलब ये भी 10,000 की होगी और ये जो टोटल होगा ये 10,000 का होगा। क्लियर है? अब यहाँ पर ये जो है कैरी डाउन हुआ, इसको आपने वापस ब्रॉड डाउन कर देना है। ये सारा वही प्रोसेस चल रहा है जो कि हमने कॉस्ट शीट के अंदर किया था, ठीक है। बस यहाँ पर थोड़ा सा मेथड चेंज है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपने साइड में लिखना है, क्रेडिट साइड, और इसको फिर हम ब्रॉड डाउन करेंगे। फिर इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड वगैरह कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे, इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। अब प्रॉफिट निकालने से पहले यहाँ पर क्या होगा, जो भी प्रॉफिट गिवन होगा वो आपने लिख देना है। पहले प्रॉफिट बाद में लिखना है, यहाँ पर आपने पहले क्या करना है, जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ब्रॉड डाउन की गई है उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड ऐड करोगे, और क्या करते हैं, माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। फिर निकल कर क्या आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैरी डाउन कर दिया, कैरी डाउन हुआ, इसको ब्रॉड डाउन कर दिया, इसके अंदर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड और प्रॉफिट लिख दिया। फिर बाद में इससे निकल कर क्या आती है लास्ट में, सेल्स। यानी आपने प्रोसेस वाइज चलना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक पहले निकालोगे, कैसे निकालोगे, सारे आइटम्स को ऐड करना है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देख लेना है, फिर उसको कैरी डाउन करना है, फिर यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैरी डाउन कर दिया, उसको बाद में ब्रॉड डाउन कर दो, बाकी लास्ट में कैसे निकल जाएगी, सेल्स, ठीक है। ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, पूरा थ्योरी पार्ट इस चैप्टर का यहाँ पर कंप्लीट है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।